हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की लुक हम क्रिएट करने वाले हैं, पूरी लुक हम बीबी क्रीम से क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने कोई फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है। सो मैं पूरा ये लुक जो है बीबी क्रीम से ही क्रिएट करूँगी। एंड काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो गया है बीबी क्रीम से भी। एंड अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं फॉर योर मेकअप लुक। सो चलिए देखते हैं। फिर अब यहाँ पे मैं आप इस तरह से पूरा स्प्रेड कर लेंगे बीबी क्रीम को, लाइक जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। एंड काफ़ी अच्छे से स्प्रेड करेंगे एंड इसको हर जगह लगाएंगे जिससे कि इजीली स्प्रेड हो जाए। सो अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ इसमें। एंड आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए, बट मैं आपको हाथों से करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम हाथों के फिंगर्स से भी इसको ब्लेंड करते हैं तो एक काफ़ी अच्छा मेकअप जो है क्रिएट हो सकता है। एंड या तो ब्लेंडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। ब्लेंडिंग आपका मेन स्टेप होता है और अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छा होने वाला है। सो आपको इसे ज़रूर अपने नेक पे भी लगाना है एंड ईयर पे भी लगाना है। तो ये दो एरिया आप कभी भी ना भूलें अगर आप मेकअप करते हैं, क्योंकि आपका जो मेकअप है वो फिर एक जैसे टोन का नहीं रहता है। आपका लाइक फेस अलग लुक देता है एंड आपके ईयर्स एंड नेक जो है एक अलग लुक देते हैं अगर आप इस तरह से नहीं करते। सो अपना नेक एंड ईयर को करना ना भूलें, और जब भी आप मेकअप करें तो ऑलवेज़ जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं लाइक बीबी क्रीम, फाउंडेशन या कुछ भी, तो अपना नेक एंड ईयर पे लगाएं। एंड यहाँ पे मैंने अपनी आंखों पे भी बीबी क्रीम से ही इसको कंसील किया है। सो मैं यहाँ पे कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ प्रॉपर। एंड यहाँ पे अब हम यूज़ कर रहे हैं आईब्रो पेंसिल। सो ये आईब्रो पेंसिल मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डेफिनेटली इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी आईब्रो पेंसिल की। एंड या इस तरह से आप आईब्रो क्रिएट कर लेंगे। सो जब भी आपका आईब्रो क्रिएट करनी है तो एकदम से एकदम से पेन की तरह नहीं चलाना है उसको, बस आपको ऊपर ऊपर से हल्का करके ही इसको डार्क टोन देना है। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो एकदम अच्छी नहीं लगेगी आपकी आईब्रो। सो हल्का आपको एक डार्क टोन देना है। एंड अगर बाई चांस आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको आपको ठीक करना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि मिस्टेक को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। सो गुड मेकअप वही होता है अगर आप मिस्टेक को अच्छे से कवर करें। एंड यहाँ पे मैं ये ब्रश की हेल्प से इसको लाइक एक परफेक्ट लुक दे रही हूँ अपने आईब्रो को। सो जिससे कि मेरी आईब्रो एक जैसी लगे और ऐसा ना लगे कि मैंने पेंसिल यूज़ की है। सो या सो नाउ अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। सो इस मेकअप को सेट करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको डेफिनेटली कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करना चाहिए जिससे कि मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इससे आपको स्वेट की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अब ऑल ओवर आपको पूरे फेस पे लाइक लगाना है जैसे अभी आप देख रहे हैं। सो ऐसे नेक एंड ईयर, अपना ईयर पे भी लगाना है आपको क्योंकि आपने नेक एंड ईयर पे भी यहाँ पे हमने बीबी क्रीम यूज़ की है। या सो अब हमारा ये कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ कर लिया है प्रॉपरली। एंड अब हमारी लाइक आई मेकअप की बात शुरू हो जाती है। सो अब हम यहाँ पे आई मेकअप करने वाले हैं। सो मैंने एक पैलेट लिया है, आपको भी पैलेट ले सकते हैं, पसंद है। सो मुझे जो कौन सा पैलेट मुझे पसंद था मैंने वो वाला लिया है। एंड यहाँ पे मैं बेस कलर लगा रही हूँ सबसे पहले। सो मैंने ब्राउन टोन लिया है यहाँ पे बेस कलर को लगाने के लिए, अपने आई को डिफाइन करने के लिए अच्छे से। सो अब आप देख सकते हैं कि मैं एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ लाइक कॉर्नर्स में से ना, आई शेडोज़ में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको प्रॉपरली शेप में ही आपको अपने यूज़ करना है एंड या आई शेडो को। एंड यहाँ पे मैं एक रेडिश टोन में मैंने लिया है ये। एंड या थोड़ा सा शिमरी लुक है ये रेड में, और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से लाइक ब्लश की हेल्प से। एंड ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छा स्टेप होता है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो उतनी ज़्यादा आपकी आईज़ जो हैं
एक परफेक्ट। सो जितना ज़्यादा अच्छे से आप ब्लेंडिंग करेंगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छे से आपकी आई जो है बहुत अच्छे से डिफाइंड होगी, और आपके आई पे जो है लाइक कुछ शेडोज़ हैं, आई शेडोज़ बहुत अच्छे से लगेंगे। सो एक अलग ही लुक आपको मिलेगी। सो हमेशा ध्यान रखें कि आप ब्लेंडिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सो यहाँ पे मैंने ये ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी अपने दोनों आईज़ पे, मैं वो करके दिखा रही हूँ। एंड मैंने जब रेडिश टोन लिया था उसके बाद मैंने दोबारा से ब्राउन टोन लिया एंड दोबारा से मैंने उसको एक लाइक स्टार्ट कर दिया अपना लगाना, जिससे कि ऐसा ना लगे कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो एक दूसरे ऐसे लगे कि दोनों एक जैसे। सो अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर बहुत ज़रूरी होता है आपको अप्लाई करना, तो आप ज़रूर हाइलाइटर का यूज़ करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, जिससे कि वो अलग से ही नज़र आए। सो यहाँ पे मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट लुक नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे मैंने अपनी आई बॉल पे जो है बीबी क्रीम ही यूज़ की है, मैंने कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया है। एज अ कंसीलर मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, एंड क्योंकि मुझे एक अलग टोन का शेड देना है अपने आई बॉल पे। सो या अपने आईलिड पे। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से लग गया है। यहाँ पे मैंने ये वाला टोन दिया है, ये थोड़ा सा लाइट पिंकी एंड सिल्वर शेड में टोन है। सो शिमरी है, काफ़ी अच्छा इसने मुझे लुक दिया था। सो बहुत अच्छा, एकदम प्यारा सा कलर है। सो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह आप कोई भी आई शेडोज को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं। सो क्योंकि एक डिफरेंट लुक क्रिएट होती है, ये मैंने लुक फर्स्ट टाइम क्रिएट की है। एंड यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं कि परफेक्ट लुक क्रिएट हो गया है। एंड अगर आप डिफरेंट कलर्स के साथ डेफिनेटली प्ले करेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करेंगे, तो आप काफ़ी अच्छे से एक आई शेडो, एक बहुत परफेक्ट आई क्रिएट कर पाएंगे। सो एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने पैलेट में से ही मैंने ब्राउन कलर लिया है, जो मैंने अपनी आई को डिफाइन करने के लिए लिया था फर्स्ट शेड ब्राउनिश। सो उसी से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। आप आई पैलेट में से भी कॉन्टोर कर सकते हैं, प्रॉपर एक कॉन्टोर भी ले सकते हैं आप, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे मैं अपनी नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ, सो विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड सो अगर आपका हेड जो है काफ़ी बड़ा है और अगर आपको उसको स्मॉल दिखाना है, तो डेफिनेटली आप हेड की तरफ भी कॉन्टोर करें। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह कॉन्टोरिंग की है, एंड कॉन्टोरिंग से आपका फेस जो है पतला लगता है एंड एक लाइक 3D शेप आती है आपके फेस की प्रॉपर, एंड एक फेस कट क्रिएट होता है एंड काफ़ी अच्छी लुक देता है कॉन्टोरिंग। सो कॉन्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप के टाइम पे। एंड अगर आपका फेस ऑलरेडी पतला है तो इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं फेस ऑलरेडी पतला है एंड नोज़ पे एंड वैसे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी की। सो यहाँ पे वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड अब यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्लश, नेचुरल ब्लश मैंने यूज़ किया है। सो उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पे। एंड हाइलाइटर तो बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक मेकअप अगर आप करें और हाइलाइट ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एंड बिना हाइलाइट के लाइक शाइनी लुक कैसे क्रिएट होगी। सो हाइलाइट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मैंने नोज़ पे, अपने चिन पे, अपने फोरहेड पे एंड अपने आई कॉर्नर पे, मैं हर जगह मैंने हाइलाइट किया है। सो आप देख सकते हैं, सो हाइलाइटिंग काफ़ी अच्छा होता है। लाइक यहाँ पे मैंने आईब्रो के साइड में भी अपना हाइलाइट किया है आईब्रो को डिफाइन करने के लिए, आई शेडो को अच्छा से एक लुक क्रिएट, एक न्यू लुक देने के लिए। सो नाउ एंड यस, बिना काजल के या बिना आईलाइनर के आई लुक कंप्लीट होती ही नहीं है। एंड आप बिना काजल आइलाइनर के भी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इतना भी छोड़ सकते थे, बट मैं यहाँ पे आपको काजल यूज़ करके दिखा रही हूँ। एंड अगर आपको आईलाइनर यूज़ करना है आप आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड
एंड या सो मैंने अभी मस्कारा यूज़ नहीं किया है एंड अगर आप मस्कारा यूज़ करना चाहते हैं तो पूरी लुक में आप मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। ये एक डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप मस्कारा यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। सो इस मेकअप में मैं मस्कारा यूज़ नहीं करना था तो मैंने नहीं किया है एंड मैंने फॉल्स आईलैशेस भी नहीं यूज़ करने थे तो मैंने नहीं किए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लुक मिलने वाली है। सो यहाँ मैंने अपनी वाटर लाइन पे भी काजल लगा लिया है। सो अब आप मेरा पूरा आई लुक देख सकते हैं क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक शेड यूज़ कर रही हूँ एंड बिना लिपस्टिक शेड के सो मेकअप तो इनकम्प्लीट है ही। एंड या सो मैंने यहाँ पे रेड टोन का लिपस्टिक शेड जो है यूज़ किया है, बहुत अच्छा कलर है, सीरियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड येस ये मेरी फाइनल लुक है और ये मेरी फाइनल लुक क्रिएट हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मेकअप आया है। सो आई शेडो, ब्लेंडिंग, हाईलाइटर, कॉन्टोरिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, डेफिनेटली आपके मेकअप को एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। एंड ये सब आप देख सकते हैं, आप कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोई हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं किया है, ऐसे ही अपने हेयर्स को ओपन कर लिया था। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप हेयर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। एंड या सो सी द लुक, थैंक यू।